हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी के सुपर 100 क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के नज़रिए से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो इसका सही आंसर है ए, जिंकगो। जिंकगो जो है वो एक जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर है ए, बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा फ्लावर होता है। नेक्स्ट, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है ए, क्रिप्टोगेम्स, या इन्हें हिंदी में अपुष्पोद्भिद भी कहा जाता है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पुष्प या फ्लावर कभी नहीं लगते। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो सही आंसर है बी, प्रकंद। देखिए, जो हल्दी होती है वो भूमिगत तने या अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल होती है। उसी का एक प्रकार होता है राइजोम, और इसी राइजोम का एग्जाम्पल है हल्दी या टर्मरिक। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग होता है? तो सही आंसर है सी, तना। आलू जो है वो भी भूमिगत तना होता है, तो उसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तना या स्टेम। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? तो सही आंसर है सी, स्तंभ मूल या स्तंभ जड़ें। जो बरगद के तने से लटकी हुई जड़ें पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है स्तंभ मूल। जड़ें विकसित होती हैं? तो सही आंसर है डी, मूलांकुर से। देखिए, जब बीज जो होता है वो जर्मिनेट होता है तो ऊपर की तरफ स्टेम आता है और नीचे की तरफ जाती हैं जड़ें, तो ये जो एरिया होता है ये मूलांकुर कहलाता है, और जहाँ से तना विकसित होता है उसे प्रांकुर कहा जाता है। तो प्रांकुर से या प्लूम्यूल से तना या स्टेम विकसित होता है, जबकि मूलांकुर या रेडिकल से हमारी जड़ें, जो जड़ें पाई जाती है या रूट प्रेजेंट होती है, वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो सही आंसर है सी, आलू। देखिए, आलू जो है वो स्टेम का एग्जाम्पल है, मतलब वो तने का एग्जाम्पल है, वो जड़ या रूट का एग्जाम्पल नहीं है। आलू भूमिगत तना होता है, और कौन से प्रकार का होता है? ट्यूबर प्रकार का होता है, कंद प्रकार का तना होता है। नेक्स्ट, श्वसन मूल मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है ए, जूसिया में, जूसिया प्लांट में श्वसन मूल प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? तो सही आंसर है बी, तपेदिक, या जिसे हम टीबी या ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? तो सही आंसर है डी, शैवालों के संवर्धन का, मतलब एल्गी कल्चर का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे कहा जाता है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो सही आंसर है ए, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनमें बीज या सीड्स तो बनते हैं, लेकिन वो सीड्स फलों के अंदर नहीं पाए जाते, वो पौधों पर ही लगे होते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो सही आंसर है सी, टेरिडोफाइट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो सही आंसर है बी, इंडोकार्पन को जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है सी, सेक्सी कोल्स कहा जाता है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो सही आंसर है डी, कोप्रोफिलस कहा जाता है गोबर पर उगने वाली फंजाई या फफूंद या कवक को, कोप्रोफिलस कहा जाता है। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं? तो सही आंसर है सी, विविध पोषी, अलग अलग पोषण पाया जाता है, ये विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ए, शैवाल या एल्गी के द्वारा अगर अगर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है? तो सही आंसर है बी, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सही आंसर है ए, विषाणु या वायरस के द्वारा जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट,
खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो सही आंसर है सी, विषाणु के कारण। खसरा या मिजेल्स नामक रोग वायरस की प्रेजेंस के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते, तो सही आंसर है ए, विषाणु या वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है सी, चेचक। चेचक जो है वो वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। टिक्का रोग किसमें होता है, तो सही आंसर है डी, मूंगफली। मूंगफली में होने वाला एक रोग है टिक्का रोग, जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये रोग फंजाई के द्वारा या फफूंद के द्वारा होने वाला रोग है, कवक के द्वारा होने वाला एक रोग है। देखिए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कवक या फंजाई है तो वो दो है, एक होती है सार्कोस्पोरा परसोनेटा और दूसरी है सार्कोस्पोरा एराचिडिकोला, जिसके कारण मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वपोषी है, मतलब ऑटोट्रॉपिक है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो सही आंसर है ए, शैवाल या एल्गी। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, मतलब सबसे पहले वायरस की खोज किसने की, तो सही आंसर है ए, इवानोवस्की ने 1892 में सबसे पहले वायरस की खोज की। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किस वायरस की खोज की गई, तो TMB टोबैको मोजाइक वायरस की खोज सबसे पहले इवानोवस्की के द्वारा की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो सही आंसर है बी, बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण दूध खट्टा हो जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो सही आंसर है ए, माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो इसका सही आंसर है बी, तपेदिक या टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, और बाकी यहाँ जो रोग है ये वायरस के द्वारा होते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो इसका सही आंसर है सी, छड़ रूपी, या जिसे हम बेसिलस कहते हैं। तो ये जो बेसिलस आकार होता है ये जीवाणुओं या बैक्टीरिया का साधारण आकृति बेसिलस या छड़नुमा होती है। नेक्स्ट, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो सही आंसर है सी, लिवेनहॉक, एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की। ये भी पूछा जाता है कि जीवाणु नाम किसने दिया है, तो एहरन वर्ग नामक साइंटिस्ट ने जीवाणु नाम दिया है। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, तो सही आंसर है सी, लीनियस जो हैं वो द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम के प्रतिपालक हैं। नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो सही आंसर है डी, साइकस के प्लांट के द्वारा साबूदाना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो सही आंसर है इन सभी में, रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में, सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर है ए, भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर है ए, घासों का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो सही आंसर है सी, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी, मतलब झाड़ियों का अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर है बी, शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो सही आंसर है ए, थियोफ्रेस्टिस। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति शास्त्र के पिता कहा जाता है, तो फादर ऑफ बॉटनी अगर आपसे पूछे जाए तो कौन है, तो वो है थियोफ्रेस्टिस। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सही आंसर है ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया है। और जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु या एरिस्टोटल। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया, तो सही आंसर है सी, बैलिस तथा स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द दिया है। नेक्स्ट, फेफड़े का आकार होता है, तो सही आंसर है सी, शंक्वाकार या कोनिकल शेप होता है फेफड़े या लंग्स का। नेक्स्ट,
निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो सही आंसर है ए पत्तियां, जहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो सही आंसर है डी अमोनिया। मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो सही आंसर है डी बी और सी दोनों, मतलब टीबी और निमोनिया, ये दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? तो सही आंसर है सी मृतजीवी या सैप्रोफाइट। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है डी इंसुलिन के कारण। देखिए सही आंसर क्या है, डी इंसुलिन के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहता है। तो इंसुलिन का मेन काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो सही आंसर है सी ड्यूरामीटर, मनुष्य के ब्रेन की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो सही आंसर है बी 120 80 120 80, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप होता है। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो सही आंसर है बी विसरण या डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो वह है, तो सही आंसर है बी श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर है ए कूटपात के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर है ए सेरिब्रम, ये जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसी के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर है सी यकृत या लिवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके अंदर से एक जूस निकलता है जिसे बाइल जूस कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, एल्केलाइन होती है, और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है ये भी पूछा जाता है, तो पित्ताशय में या गाल ब्लेडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सही आंसर है बी पुष्प या फ्लावर। देखिए फ्लावर में ही मेल जेनेटिक पार्ट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फ्लावर जो है वो जीवन चक्र की दृष्टि से प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सही आंसर है बी रेफ्लिशिया द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो सही आंसर है डी कंद या ट्यूबर। देखिए जो आलू है वो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है, अंडरग्राउंड स्टेम में भी एक ट्यूबर टाइप पाया जाता है, कंद पाया जाता है, और उसका एग्जाम्पल होता है आलू या पोटैटो। नेक्स्ट, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो सही आंसर है बी जड़, चाहे कोई भी प्लांट हो उसमें हमेशा प्रेजेंस होगी उसकी रूट या उसकी जड़ें। नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो सही आंसर है सी अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट। अगर मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से कोई जड़ें निकलती हैं तो उन्हें अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सही आंसर है ए टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है? तो सही आंसर है बी एजोला, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो सही आंसर है ए कवक, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही आंसर है ए काइटिन या हेमी सेलुलोस की बनी होती है, कवक या फंजाई की सेल वॉल। नेक्स्ट,
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। सही आंसर है बी माइकोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा जाता है कि कवक या फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है, तो कहलाती है माइकोलॉजी। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो सही आंसर है डी विषाणु या वायरस। देखिए आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो पोटैटो एक्स वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो सही आंसर है डी हाइड्रोफोबिया। देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो सही आंसर है सी आचक या एड्स। एचआईवी के द्वारा होने वाला एक रोग है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसके कारण जो रोग होता है उसे कहा जाता है एड्स। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो सही आंसर है बी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, तो सही आंसर है सी कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो सही आंसर है डी जीवाणुओं या बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर है बी गोलाणु या जिन्हें कोकस कहा जाता है, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकिका पितामह कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो सही आंसर है बी लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो सही आंसर है बी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये वनस्पति या वेजिटेशन कल्चर से रिलेटेड होती है, तो अगर प्लांट कल्चर या ट्री कल्चर या वेजिटेशन कल्चर के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सही आंसर है डी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर पर्यावरण या फिर एनवायरमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो सही आंसर है ए ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटनी, इससे बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो सही आंसर है सी अरस्तु या एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु या एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया, तो सही आंसर है सी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। नेक्स्ट, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो सही आंसर है बी रंध्र या स्टोमेटा पौधे में पाए जाते हैं, किस लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट, पौधे में आवश्यक से अधिक जल की किस प्रक्रिया द्वारा आवश्यक से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो सही आंसर है बी वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के द्वारा पौधे में आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो सही आंसर है ए फेफड़ा या लंग्स, वो मनुष्य का सबसे मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो सही आंसर है सभी, पोषण उत्सर्जन श्वसन ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो सही आंसर है सी सेरिब्रम, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो सही आंसर है सी सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो सही आंसर है सी टाइलीन एंजाइम जो है वो स्टार्च का पाचन करता है और हमारे लार या सलाइवा में प्रेजेंट होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो सही आंसर है सी रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है। नेक्स्ट, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो सही आंसर है सी तना या स्टेम का ही परिवर्तित रूप होता है प्याज या अनियन। नेक्स्ट,
नागफनी में नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो सही आंसर है इसका पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट, अस्थंभ अवस्थंभ मूल पाई जाती है, तो सही आंसर है गन्ने में अवस्थंभ मूल या रूट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, एजोला है एक, तो सही आंसर है जलीय फर्न, एजोला एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सही आंसर है डी सेल्युलोज की बनी होती है, शैवालों या एल्गी की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो सही आंसर है ए विषाणु या वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर है बी पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को स्टडी ऑफ फ्रूट कहा जाता है, पोमोलॉजी को। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, सही आंसर है ए एस्चेरिया कोलाई या जिसे हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, ये मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो सही आंसर है ए लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है दूध को दही के रूप में जमाने के लिए। नेक्स्ट, सार्स क्या है, तो सार्स का सही आंसर है बी विषाणु जनित रोग, मतलब वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है सार्स। नेक्स्ट, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक या फंजाई क्या कहलाती है, तो सही आंसर है बी कॉर्टिकोलस, ऐसी फंजाई है जो वृक्षों की छालों पर उगती है। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, सही आंसर है सी मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित या सिंथेसिस प्रोटीन कोशिका के भीतर उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट, गाजर है एक, तो सही आंसर है सी जड़, गाजर जो है वो रूट का एग्जाम्पल है, रूट में भी कॉनिकल टाइप की जो रूट होती है उसका एग्जाम्पल होता है जड़। नेक्स्ट, अदरक क्या है, तो सही इसका सही आंसर है ए राइजोम। देखिए जो अदरक होता है ये भी स्टेम है, भूमिगत स्टेम होती है ये, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसी का एक टाइप होता है राइजोम, और इसी राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक दोनों, तो जिंजर यानी कि अदरक क्या हो जाएगा राइजोम होता है। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर है डी अनावृत बीजी, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प या फ्लावर नहीं लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।